अमूमन हम चींटियों को भगाते हैं, उनसे बचते हैं, पर धनबाद में कोई है जिनके लिए चींटियां एक व्यंजन है, स्वादिष्ट व्यंजन। कौन है वो लोग, इस रिपोर्ट में देखिए। आमतौर पर दैनिक दिनचर्या में अगर घर में चींटियां निकले तो उसके आतंक से लोग बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन आज भी एक ऐसा समुदाय है जिनके लिए चींटियां किसी लजीज व्यंजन से कम नहीं है। धनबाद में कोड़ा आदिवासी समुदाय के लोग चींटियों और उनके अंडों को बड़े चाव से चटनी बनाकर खाते हैं। उनका मानना है कि चींटियों में प्रतिरोधक क्षमता होती है जिसके कारण उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती। समुदाय के लोग चींटियों को बेमौत चींटियों के नाम से भी जानते हैं। ये चींटियां पेड़ों पर पाई जाती हैं। पेड़ों की टहनियों पर घोंसला नुमा पत्तों के बीच असंख्य चींटियों के झुंड में अंडा देती हैं। समुदाय के लोगों को ऐसे पेड़ों को खोज निकालने और फिर उन्हें टहनियों को तोड़कर नीचे लाते हैं। पेड़ पर चढ़े और चींटी पाले, उसको ले जाएंगे और चटनी बना खाएंगे। इसका नाम है बेमौत, पेड़ में रहता है। इसका जो अंडा होता है वही सब चटनी बनता है। चींटी तो उतना खाने से वो खट्टा लगता है, लेकिन उसका अंडा से वो अच्छा लगता है। हम लोग खाते हैं तो हम लोग को उतना तबीयत खराब नहीं होता है, जोर बेजार सब जो नहीं होता है, बीमारी ज्यादा नहीं होता है। वही जानकार कहते हैं कि चींटियों के अंडों में प्रोटीन होने के कारण यह समुदाय इनका उपयोग करते हैं। साथ ही इनमें प्रतिरोधक क्षमता है या नहीं, शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है, इसके लिए शोध करने की आवश्यकता है। ये एक समझा जा सकता है कि अंडे जो होते हैं एनिमल एग, तो दे आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होते हैं। और ट्राइबल लोगों को ये बाहरी प्रोटीन कहीं से और नहीं संभव हो पाता है लेना, तो उनके लिए एक सस्ता और सुलभ साधन हो जाता है प्रोटीन पाने का, जो कि निश्चित तौर पर उनके स्वास्थ्य को भी अच्छा करता है। इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता में कितनी बढ़ोतरी होती है, इससे यह तो रिसर्च का एक अच्छा विषय हो सकता है। जो चींटियां हैं या उनके अंडे हैं, तो मेन दे आर कंटेनिंग प्रोटीन, उनके पास प्रोटीन भी रिच है, तो प्रोटीन रिच डाइट बस बेसिकली आप कह सकते हैं एनिमल प्रोटीन है। बट इसके अलावा उसमें भी जैसे उनके जो चींटियों में एंट, जो एंट्स में जो उनके अलावा जो अदर मेटाबोलाइट्स हैं, सो इट माइट बी दे अफेक्टिंग देयर इम्यूनिटी और मे बी इन्हांसिंग देयर इम्यूनिटी। नॉर्मली अगर इम्यूनिटी हमें चेक करना है तो वी हैव टू डू दैट लाइक प्रकृति के साथ इंसान और जीव जंतु का अटूट संबंध होता है। और गौर से देखा जाए तो कई ऐसी भी रोचक तस्वीरें सामने आती हैं जो अमूमन पेश आने वाली तस्वीरों से अलग होती हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है जो इस समुदाय के लिए सहज है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट।